राम। दोस्तों देखो, आप देख सकते हो मैं घने के भीतर आया हूँ, और दोस्तों ये हिरन का बच्चा है, लगभग ये लगभग है क्या है। तो दोस्तों ये हिरन, काला हिरन ये काला हिरन है दोस्तों, ये घना केवला देव है। तो दोस्तों मैं इधर जो एक कॉमन क्रैथ स्नेक दोस्तों, मैं वो मैंने पकड़ा था लक्ष्मी नगर से, और दूसरा स्नेक है क्या है दोस्तों, कोबरा स्नेक, वो जगीना गांव से जो मैं पकड़ के लाया था। दोस्तों मैं घने के अंदर आया हूँ, तो और इधर है क्या हमारे कुछ अधिकारी हैं, अफसर हैं क्या वन विभाग के, तो वो भी आए हैं इन वन्य जीवों की सुरक्षा के बाबत में। तो दोस्तों जो मेन उद्देश्य है, इन बेजुबानों को बचाया जाए। और ये देख सकते हो आप, जिस सरकार ने ये घना केवला देव जो बर्ड सेंचुरी काफ़ी अच्छी है जो दोस्तों, तो ये चारों तरफ कितना हरा भरा जंगल है। ये हमारे बाबूजी भी हैं, सभी लोग आए हुए हैं नज़र में दोस्तों। तो अब इन बेजुबानों को अपन इधर ही लाए स्नेक को छोड़ने के लिए, और अब हमें इन्हें देखने के लिए दोस्तों एक जो हिरन है वो भी दिखाई दिया है। तो जो दोस्तों अब मैं इन दोनों स्नेकों को अब इसमें कट्टे में से खोलता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ये दोनों स्नेक एक साथ रह गया है दोस्तों, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और दोस्तों इसमें ये कॉमन क्रैथ है। तो पहले आपको कॉमन क्रैथ निकाल देता हूँ मैं इसमें। तो दोस्तों ये संत कृपाल स्कूल के पास में लक्ष्मी नगर है क्या दोस्तों, लक्ष्मी नगर के अंदर है क्या है, फौजी साहब के यहाँ पर यहाँ से फ़ोन आया था मेरे पास में। तो जैसे ही मेरी उनसे बात हुई दोस्तों, मेरा नंबर है 9024250618, जब भी कभी इस नंबर से संपर्क होता है दोस्तों, मैं तुरंत है क्या आपके पास में चलाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉमन क्रैथ स्नेक है, ये गंडे वाला सांप है दोस्तों, काफ़ी जहरीला होता है। और अब इस सांप को मैं इसमें ले अगर दबा छोड़ 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 अरे हल्का सा दबाए के रखने, वो कोबरा और निकाल लो, हल्का सा दबा रखने। कॉमन क्रैथ है दोस्तों, ये काफ़ी जहरीला होता है। भारत में जो पाए जाने वाले सबसे जो ज़्यादा जहरीले सांप हैं ये कॉमन क्रैथ, और दूसरा दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। पर है तो बच्चा आया, डर तो कहाँ है यार, लोग जा सकते हैं नेक फोड़ देने, पूरा कारण है नेक फोड़ देने का। ये देख सकते हो दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये फन करके खड़ा दोस्तों। ये गौ माता का प्रजनन, दोनों दोनों जो स्नेक हैं दोस्तों वो दोनों एक साथ वहाँ भी ले देते हैं। ये देखो दोस्तों, अब मैं इसको भी रिलीज कर देता हूँ, जाते हुए दिखा। तो दोस्तों जो एक स्नेक है वो जा चुका है, अब इस दूसरे को निकालते हैं अपन फन करा देने के। ओम भोलेनाथ, हेलो। ये देखो दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इस पे ऊपर गाय का पद चिन्ह है दोस्तों, ये बिना छेड़े कभी किसी को कुछ नहीं कहते। जय भोले बाबा, छोड़ छोड़ दे महाराज। तो दोस्तों अब इसे घना केवला देव में मैं लाया हूँ इसको दोस्तों छोड़ने के लिए, छोड़, छोड़, मेरा पकड़ता वीडियो था, और दोस्तों ये मेरा छोड़ता हुआ वीडियो है। छोड़ 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 शांत महाराज, जय हो भोलेनाथ, आराम से देखो कैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य है इन बेजुबानों को बचाया जाए। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया है, ये बहुत अच्छा जीवन दिया, इसी जीवन में दोस्तों किसी का भला करने का अवसर मिलता है। कहते हैं कर भला सो हो भला। दोस्तों मेरा वीडियो को बनाने का माध्यम ये, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर होए, नंबर जिससे पहुँच सके दोस्तों, इन बेजुबानों को कोई मारे नहीं। तो जब किसी के पास में नंबर होता है दोस्तों, तो कोई भी जीव हत्या नहीं करता। अच्छा दोस्तों मेरा काम अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भोले बाबा की जय श्री राम। और आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी हरियाली है, सरकार ने जो बनाया है वन्य जीवों के लिए, इसलिए मुझे इससे अच्छी जगह कोई और नहीं लगी, इसलिए दोस्तों इधर ही लाया हूँ छोड़ने के लिए। जय भोले बाबा की।